टीवी का पॉपुलर शो रहा है पुनर्विवाह, जिसकी खूबसूरत कहानी को उसी खूबसूरत के साथ पर्दे पर उतारने का क्रेडिट जाता है इनके स्टार कास्ट को, जिसने अपने दमदार अभिनय से इस शो को इतना पॉपुलर बनाया था, जिसमें सीरियल की मुख्य भूमिका आरती का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री थी कृतिका सेंगर, जिन्होंने अपनी अदायगी और खूबसूरती से शो के इस किरदार में 4 चांद लगाए थे, जिससे ये काफी लोकप्रिय हो गई थी। लेकिन शो में आरती का किरदार निभाने वाली ये अभिनेत्री अब टीवी इंडस्ट्री को अलविदा कह चुकी हैं, पर आखिर क्यों इतनी बेहतरीन अदाकारा ने अचानक इंडस्ट्री को छोड़ दिया? आखिर क्या हुआ इनके साथ कि इन्होंने अपने एक्टिंग करियर को ही विराम दे दिया और इस चकाचौंध भरी दुनिया से दूरी बना ली? आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो हमारे आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहे हमारे साथ, और साथ ही खूबसूरत अदाकारा के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पुनर्विवाह में आरती का मशहूर किरदार निभाने वाली अदाकारा कृतिका सेंगर का जन्म 3 जुलाई 1986 को कानपुर में हुआ, और इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मेथोडिस्ट हाई स्कूल से पूरी की और आगे चलकर आमिट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कम्प्लीट की। छोटे पर्दे की मशहूर अभिनेत्री कृतिका सेंगर ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2007 में आए पॉपुलर सीरियल कसौटी जिंदगी से शोक से की थी, जिसके बाद इनके अच्छे प्रदर्शन के चलते ने और कई सीरियल्स में काम करने का मौका मिला, जिसमें क्योंकि सास भी कहीं बहू थी, झांसी की रानी और पुनर्विवाह जैसे कई सुपरहिट सीरियल शामिल हैं। इन्हीं सीरियल्स में दमदार अभिनय करके ये टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम बन चुकी है, जो आज एक घरेलू नाम बन चुकी है, और यही वजह है कि आज इनके चाहने वालों की संख्या करोड़ों में है, जिनमें लड़के तो इनकी खूबसूरती के इतने दीवाने थे कि इनसे शादी करने के सपने देखते थे। लेकिन उन सभी लड़कों का दिल तोड़ते हुए इन्होंने अपने करियर की सफलताओं की ऊंचाइयों पर एक ऐसा फैसला लिया जिसके इनके चढ़ते हुए सूरज जैसे करियर को जमीन पर उतार दिया। जी हाँ, इन्होंने साल 2014 में बॉलीवुड के मशहूर थंगवली यानी कि निकेतन धीर के साथ शादी करने का फैसला किया। हालांकि इनकी शादी अरेंज मैरिज थी, पर बहुत ही कम समय में कृतिका अपने पति निकेतन से प्यार करने लग गई थी। करीबी क्यों ना, निकेतन है ही इतने अच्छे, जिन्होंने हमेशा इनके करियर में इनको सपोर्ट किया है और कभी इनके एक्टिंग करियर में कोई रोक टोक नहीं की, और यही वजह है कि कृतिका ने शादी के बाद एक बार फिर अपने एक्टिंग करियर में कम बैक करने की कोशिश की और साल 2015 में सर्विस वाली बहू से छोटे पर्दे पर एंट्री की, जिसके बाद इन्होंने कुछ सीरियल्स में काम किया, जिसमें चंद्रकांता और कसम तेरे प्यार की शामिल है, जो काफी सफल रहे और जिन्होंने इनकी पॉपुलैरिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन इसी दौरान कृतिका को ये एहसास होने लगा कि वो अपने करियर में काफी बिजी होती जा रही हैं और अपने परिवार को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए इन्होंने अपने सफल करियर को त्याग करने का फैसला किया और छोटे पर्दे की दुनिया से दूरी बना ली। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कृतिका सेंगर का अपने इतने सफल करियर को छोड़ अपने ससुराल को चुनना सही है या गलत? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।